हाय एवरीवन एंड नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइज, इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं सेक्टर 104 नोएडा में एंड हाजीपुर मार्केट, जो कि नोएडा की वन ऑफ द फेमस मार्केट है, उसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको बिल्डर फ्लैट दिखाएंगे। इस वीडियो में बिल्डर फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं विद गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पर 2 BHK प्लस स्टडी एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं एंड ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको मिल जाएंगी यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स फॉर डेली नीड्स, जो भी आपको डेली नीड्स का सामान चाहिए। मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बता देता हूँ, अगर आप मेट्रो से यहाँ कम्यूट करेंगे तो सेक्टर 76 एक्वालाइन की मेट्रो स्टेशन हार्डली 5 मिनट यहाँ से दूरी पर है। बिल्कुल साथ में इसके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 107 के, काफ़ी फेमस यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं जैसे प्रतीक एडिफिस, काउंटी 107, ग्रेट वैल्यू शरणम एंड हाजीपुर की मार्केट वन ऑफ द फेमस मार्केट है पूरे नोएडा की। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं एक सैम्पल फ्लैट दिखाने के लिए, लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या रेट्स पे ये फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, किस तरीके से मिलने वाली है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, ये रहेगा आपका स्टेयर केस एरिया, ये पूरी बिल्डिंग का स्टेयर केस रहने वाला है। नॉर्मली आपको बिल्डर फ्लैट्स के अंदर एक लिफ्ट मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको दो दो लिफ्ट्स मिलने वाली है, तो आपका वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये दोनों इसका लिफ्ट के एरियाज हैं, यहाँ पे दो लिफ्ट्स मिलेंगी आपको एंड कॉरिडोर भी अगर आप नोटिस करें तो स्पेशियस कॉरिडोर्स हैं। बहुत सारे आज की डेट में बिल्डर फ्लैट्स ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर बहुत कंजस्टेड स्टेयर केस होती है और बहुत ही कंजस्टेड इसके कॉरिडोर्स होते हैं। दोनों में ऐसा नहीं है, कॉरिडोर भी स्पेशियस है, स्टेयर केस भी स्पेशियस है एंड दो आपको लिफ्ट्स मिलेगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसका 3 BHK दिखाने, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ये इसका 3 BHK रहने वाला है, आपको 8 फीट की यहाँ पे डोर हाइट मिलेगी। जितने भी यहाँ पे फ्लैट्स हैं सभी में आपको 8 फीट की डोर हाइट मिलती है। इसमें आपको मिलने वाला है स्पेशियस फॉयर पार्ट, जो कि नॉर्मली आपको बिल्डर फ्लैट में आई थिंक कहीं पर भी नहीं मिलता। बहुत ही कम ऐसे बिल्डर फ्लैट्स होंगे जहां पे आपको एक्स्ट्रा फॉयर पार्ट मिलता है, तो इसमें आपको लॉन्ग फॉयर पार्ट दिया गया है। इसको आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज करवा सकते हैं, यहां पे सीनरीज लगवा सकते हैं, यहां पे अपना शू रैक रख सकते हैं, इनफैक्ट इसके जो बाहर का एरिया है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो ऊपर आप यहाँ देखेंगे इसको भी फॉल सीलिंग दी गई है, किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेटिव तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स लगवा सकते हैं, वुडन के पैनल्स लग जाते हैं। आप थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो आप ये देखिए दो, एक ऊपर इधर भी दिया गया है फॉल सीलिंग पार्ट एंड एक इधर भी दिया गया है एंड ये हमारी रहने वाली है फॉयर पार्ट के बाद एंट्रेंस 3 BHK की। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आप ये देख रहे होंगे बहुत ही बड़ा स्पेस है ये, यहाँ पे आप अपनी सिटिंग्स कर सकते हैं या अपनी सिटिंग्स को यहाँ सामने भी कर सकते हैं, इधर आप अपना डाइनिंग लगा सकते हैं या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कैसे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल एरिया है, कैसे भी चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर भी आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, आप देखेंगे कॉर्नर पे सारी जगह पे फॉल सीलिंग हो रखी है। साथ साथ आपको हॉल के अंदर बिल्डर LED पैनल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, नीचे ये ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे, ये बिल्डर ही आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये रहने वाला है इसका फर्स्ट रूम, आप फर्स्ट रूम में देखेंगे अभी इसके अंदर ऑलरेडी वुडन अलमीरा बन चुकी है, उसके बावजूद इतना स्पेस है कि आपका किंग साइज का बेड आराम से आ सकता है। विड्थ वाइज, हाइट वाइज एंड जितनी इसकी मैं डेप्थ की बात करूं तो बहुत अच्छी स्टोरेज आपकी यहां पे हो सकती है। स्टोरेज के लिए आपको यहां पर भी ऊपर स्पेस दिया गया है, अगर आपके कोई भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं आप यहां पे रख सकते हैं। इधर भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी एंड लाइट अगर आपको महसूस करनी है या पूरा दिन लाइट की बात करें तो ये यहां पे स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, पूरा दिन आपको लाइट यहाँ पे मिलेगी। दिन का टाइम है भी हम शूट कर रहे हैं, पूरा लाइट आ रही है रूम के अंदर एंड ये साथ में इसका अटैच्ड वॉशरूम भी हो जाएगा और ये कॉमन वॉशरूम भी है, वहाँ से भी एक्सेसिबल है एंड यहाँ रूम से भी एक्सेसिबल है। अगर आप उसको लॉक कर देते हैं तो ये वॉशरूम आपका प्राइवेट हो जाएगा। आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे
ये आपको वॉशरूम का साइज मिलता है। आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। बहुत सारे बिल्डर फ्लैट्स जैसे हम लोग कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत कंजस्टेड एंड हाइट वाइज बहुत छोटे होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट से लगते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती। और यहाँ पे भी विंडो दी गई है। ये पीछे इसका शाफ्ट का एरिया रहेगा और आपको यहाँ से भी लाइट भी प्रोवाइड होगी, वेंटिलेशन भी मिलेगी। आप मेरे साथ थोड़ा आगे की तरफ आइए, दोबारा हम लोग कनेक्ट हो गए इसके हॉल एरिया वाली साइड पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन, जो कि यहाँ से बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हॉल आपका उधर रह जाता है, किचन आपका सेपरेट है। बहुत सारी ऐसे बिल्डर फ्लैट्स रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल हॉल के साथ कनेक्टेड रहता है किचन, वहाँ पर प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मॉड्यूलर किचन आपको बिल्डर एज इट इज़ प्रोवाइड कर रहा है विद आरओ एंड चिमनी। आपको मॉड्यूलर किचन में ऊपर भी ड्रॉर्स, नीचे भी ड्रॉर्स, आरओ एंड चिमनी बिल्डर प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं सारे स्टोरेजेस हैं, नीचे भी ये स्टोरेज है। ये इधर भी मैं स्टोरेजेस आपको दिखा देता हूँ। एंड ये रहेगी इसके साथ में अटैच्ड बालकनी। एंड ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स है सेक्टर 107 के, ये ग्रेट वैल्यू शरणम प्रोजेक्ट है सामने। एंड इसी के साथ में काफी बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है यहाँ 107 में, जैसे प्रतीक वालों का एडिफिस प्रोजेक्ट है, फिर लोटस 300, काउंटी 107। आप ये देखिए ये बालकनीज आपके किचन से एंड दोनों रूम से कनेक्टेड है, तो लॉन्ग रनिंग बालकनी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने से इधर सनलाइट आती है। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरे रूम की तरफ। ये रहेगा इसका दूसरा बेडरूम। जस्ट लाइक हॉल आपको फॉल सीलिंग मिलती है, फर्स्ट वाले रूम में मैंने आपको फॉल सीलिंग दिखाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी डोर हाइट 8 फीट की रहेगी, ये इसकी फॉल सीलिंग रहने वाली है। सीलिंग हाइट आपको यहाँ पर नॉर्मल बिल्डर फ्लैट से ज़्यादा अच्छी मिल रही है। आप फॉल सीलिंग के बाद भी देखेंगे तो हाइट इसकी काफ़ी ठीक है। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम रहने वाला है। एंड गाइज अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, जो इसका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। चलिए लास्ट बेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट लाइक द प्रीवियस रूम्स सेम वही बात, आपको 8 फीट की डोर हाइट मिलेगी। आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको फॉल सीलिंग इस वाले रूम में भी मिलती है, अलमीरा मिल जाएगी। यहाँ पे विंडोज हैं, स्लाइडिंग विंडोज इस वाले रूम में भी फॉर द वेंटिलेशन एंड लाइट। ये वही बालकनी है जो किचन और पहले वाले रूम से कनेक्टेड थी। एंड साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अटैच्ड वॉशरूम। अभी जो पीछे आपने देखा इस वाले रूम के साथ आपको बिग वॉशरूम मिलता है। ये काफी बड़ा वॉशरूम आपको यहाँ मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे ही फ्लैट के अंदर आपको आरओ, चिमनी, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग एंड दो अलमीराज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। 3 BHK में आपको दो अलमीराज बिल्डर की साइड से ही मिलने वाली है। सो गाइज ये तो था इसका एक एक्चुअल फ्लैट जो कि 3 BHK था। मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पूरा जो कंपाउंड है ये पूरा गेटेड कंपाउंड है। एंड सामने ही आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, साथ में ये डिलीवर्ड सारी साइट्स हैं। ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उसी तरीके से जब आप दूसरी साइड पर देखेंगे जो आगे की बिल्डिंग्स हैं वो भी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि कब ये डिलीवर हो रहा है और इस पर क्या क्या रेट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे छोटा साइज आपको यहाँ पर 2 BHK का जो मिलता है वो 40,20,000 के आसपास स्टार्ट हो जाता है। जो अभी मैंने आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाया था 3 BHK वो तकरीबन आपको 57,50,000 के आसपास कॉस्ट करेगा।
प्लस कुछ अदर चार्जेस आपको इसमें देने होंगे। एंड जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, मॉड्यूलर किचन, आरओ, चिमनी, फॉल सीलिंग, अलमीराज, ये सारे बिल्डर प्रोवाइड करके देगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज हैं, यहाँ पे साइट विजिट करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे नंबर्स है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप अस और डायरेक्टली कॉल अस। EYP की टीम, एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी की टीम आपको ज़रूर इसमें हेल्प करेगी अच्छे रेट्स दिलवाने के लिए भी। तो ये तो थी वीडियो बिल्डर फ्लैट सेक्टर 104 पर। तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।